हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2। आज के इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इनडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर। तो दो टाइप की इनडिटरमिनेसी होती है, एक स्टैटिक इनडिटरमिनेसी जिसको हम DS से डिनोट करते हैं और एक होती है काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी जिसको हम DK से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, स्टैटिक और काइनेमेटिक इसका मतलब क्या है। तो स्टैटिक मतलब होता है टू नो द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, टू नो द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस किसी भी बीम के अंदर या फिर फ्रेम के अंदर। और काइनेमेटिक क्या होता है, काइनेमेटिक होता है टू नो द रोटेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट हम किसमें मालूम पड़ता है, काइनेमेटिक में। और स्टैटिक में क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस। तो ये तो हमें मालूम पड़ गया कि स्टैटिक और काइनेमेटिक वर्ड का मतलब क्या है। अब चलते हैं इस इनडिटरमिनेसी के पास। इनडिटरमिनेसी मतलब क्या है, आपको पता होगा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर या फिर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो हम उसको भी देख लेंगे कि क्या होता है डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अगर आपको इसका डिफरेंस देखना है कि स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है और स्टैटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हो। इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना। तो चलिए, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, कंसिडर कीजिए ये एक बीम है, यहाँ पर इसको हिंज सपोर्ट है और यहाँ पर रोलर है। तो आपको पता होगा हिंज पे कितने लगते हैं, एक दो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और रोलर पे कितने लगते हैं रिएक्शन, एक ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन कितने हैं, एक दो तीन, तो तीन रिएक्शन है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम के इक्वेशन कितने होते हैं, तीन। एक होता है समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक होता है समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, एक होता है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं हम लोग इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास तीन इक्वेशन होते हैं, तो इक्वेशन कितने हैं, तीन। नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल to the number of equilibrium equation, then the structure is known as determinate structure. ठीक है, आपको पता चला determinate मतलब क्या होता है। जब भी equation equals to number of unknowns होगा तब उस structure को हम लोग determinate structure कहेंगे। चलिए देखते हैं indeterminate structure क्या होता है। indeterminate structure मतलब number of unknown is greater than number of equation of equilibrium। मतलब एक consider कीजिए, ये एक fixed beam है, दोनों side से यहाँ पर भी फिक्स्ड है और यहाँ पर भी फिक्स्ड है, तो इस फिक्स्ड बीम पे कितना रिएक्शन आएगा। आपको मालूम होगा फिक्स्ड एंड पे एक आता है वर्टिकल, एक आता है हॉरिजॉन्टल और एक आता है मूवमेंट। तो इस साइड भी सेम, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, सिक्स, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ अननोन कितना है, सिक्स, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है, थ्री। इसका मतलब क्या है, हमारा अननोन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी हमारे पास इक्विलिब्रियम के कितने इक्वेशन है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन ऑफ मोमेंट। ठीक है, तीन इक्वेशन है और अननोन है छह। तो यही होता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो चलिए, अभी आपको ये तो पता लग गया कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। बस इतना याद रखना कि इक्वेशन और अननोन इक्वल हुआ तो डिटरमिनेट, इक्वेशन और अननोन अनइक्वल हुआ तो वो इनडिटरमिनेट आएगा। तो चलिए अभी हम आगे जाते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, इनडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर। तो फिर इसमें हमें एक चीज जाननी होती है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी जिसको हम लोग कैपिटल डी और सफिक्स एस से डिनोट करते हैं। ये क्या कहता है,
डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी कैसे निकलता है? टोटल नंबर ऑफ अननोन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी का डिग्री, जो कि है डी एस। ये हमारा केस टू है, इसको आप केस टू पकड़ लो। और ये जो था हमारा, ये केस वन है। अगर इसका हमको डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या है हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी का? टोटल नंबर ऑफ अननोन माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वो फॉर्मूला के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ अननोन कितना है यहाँ पर? थ्री। और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हमारे पास? थ्री। तो थ्री माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो ये इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी इक्वल्स टू जीरो इस फर्स्ट केस के लिए। अब चलते यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? सिक्स। तो अननोन है हमारे पास सिक्स, और माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं हमारे पास? एक, दो, तीन। तो सिक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू थ्री। तो यहां से हमारा स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितना आएगा? थ्री। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी हम लोग क्यों निकालते हैं? उससे हमें क्या मालूम पड़ता है? हमें उससे मालूम पड़ता है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मालूम पड़ेगा? इफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आपका नेगेटिव आता है, उसका मतलब क्या है? आपका जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है। अगर डी एस आपका जीरो आता है, उसका मतलब जस्ट स्टेबल या फिर जस्ट रिजिड। ठीक है, अगर आपका डी एस ग्रेटर देन जीरो आता है, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये जो आपका थ्री आया, वन टू थ्री कुछ भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू कितने अननोन है उसके हिसाब से कुछ भी आ सकता है ये। अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो फिर वो ओवरस्टेबल, ओवरस्टेबल या फिर ओवर रिजिड, उसको ओवरस्टेबल या फिर ओवर रिजिड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होगा कि ये ओवरस्टेबल मतलब क्या है, जस्ट स्टेबल मतलब क्या है, अनस्टेबल मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर हमको कैसे पता चलता है। कंसिडर कीजिए, ये हमारे पास एक बीम है, इसके यहाँ पर रोलर है और इस साइड भी रोलर है। ठीक है, तो रोलर पे कितने रिएक्शन लगते हैं? एक वर्टिकल यहाँ पर लगेगा, एक वर्टिकल यहाँ पर लगेगा। अगर हम लोग इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी मतलब डी एस निकालना होगा तो डी एस कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ अननोन, यहाँ पर अननोन कितना है? दो अननोन है। और हमारे पास इक्वेशन कितने होते हैं? तीन इक्वेशन होते हैं। तो टू माइनस थ्री, तो हमारा डी एस कितना आएगा? डी एस इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, तो हमारा डी एस क्या आ चुका है? नेगेटिव में आया है। तो मैंने क्या कहा था, अगर डी एस नेगेटिव में आता है तो ये स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल है, अनस्टेबल। अब कैसे अनस्टेबल हुआ देखो ध्यान से थोड़ा। ये बीम है, इसके ऊपर अगर हम लोग इसको वर्टिकल लोड देते हैं तो यहाँ पर जो सपोर्ट्स पे इसको नीचे से वर्टिकल लोड लगा है, ये इसको झेल लेगा। लेकिन अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लोड देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से अगर हम इनको हॉरिजॉन्टल लोड देते हैं तो फिर ये आगे पीछे मूव हो सकता है। मतलब क्या, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग गाड़ियां, जैसे हमारी गाड़ियां, गाड़ियों में क्या रहता है, दोनों साइड पे नीचे पहिए रहते हैं, मतलब कि वो रोलर है। तो रोलर होने के कारण अगर आगे उसको धक्का देंगे तो आगे जाएगा, इस साइड धक्का देंगे तो इस साइड जाएगा। लेकिन अगर उसको वर्टिकल लोड देंगे तो वो वर्टिकल लोड उसको वो झेल लेता है, क्योंकि उसके जो नीचे से उसको जो सपोर्ट लगता है उसके कारण वो वर्टिकल तो झेल लेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं झेलेगा। तो फिर ये हो गया अनस्टेबल। अब इसको हम लोग स्टेबल कैसे कर सकते हैं? इसको स्टेबल करना आसान है। हम लोग क्या करेंगे, किसी एक साइड में हम लोग हिंज दे देंगे, और अगर यहाँ पर रोलर है, अब क्या होगा, अगर हम इसको वर्टिकल लोड देंगे,
देखो अब ये हिंज है, तो हिंज है उसके कारण यहाँ पर एक वर्टिकल आएगा और एक हॉरिजॉन्टल आएगा और यहाँ पर एक वर्टिकल आएगा। अब आप इसके ऊपर वर्टिकल लोड दोगे तो वो वर्टिकल झेल लेगा क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन में उसको वर्टिकल है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल ये साइड से भी देते हो तो भी ये झेल लेगा, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल ये साइड से देते हो तो भी वो झेल लेगा। ये क्यों स्टेबल है? अब हम इसका डीएस निकालते हैं। डीएस निकालने के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ अननोन, अननोन कितने? 1 2 3, 3 अननोन है। और इक्वेशन कितने होते हैं हमारे पास? 3 इक्वेशन होते हैं, तो देयरफॉर हमारे डीएस इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है हमारा, इफ हमारा डीएस इज 0 तो फिर वो जस्ट स्टेबल या फिर जस्ट रिजिड है। ठीक है, ये केस तो हमने देख लिया है, इफ हमारा डीएस ग्रेटर देन 0, तो ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर डीएस हमारा 3 आया है, मतलब ये ओवर स्टेबल है, और ये या फिर इसको हम ओवर रिजिड भी कह सकते हैं। ठीक है, एक और केस आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हम एक कैंटिलीवर बीम कंसिडर करते हैं, तो फिर एक कैंटिलीवर है, तो यहाँ पर कितने रिएक्शन आएंगे? एक, दो और एक मोमेंट, 3 रिएक्शन आएंगे। हमारे पास इक्वेशन कितने होते हैं? 3 इक्वेशन होते हैं। हमारे डीएस का तो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ अननोन माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये 0 क्या हो गया? 0 मतलब क्या कहता है? ये हमारा जस्ट स्टेबल है, जस्ट स्टेबल। ठीक है, अब इस जस्ट स्टेबल को हम लोग ओवर स्टेबल कैसे कर सकते हैं? ओवर स्टेबल करने का मतलब क्या है? हमको ग्रेटर देन 0 लाना है, तो उसको हम ओवर स्टेबल कैसे कर सकते हैं? आसान है, इसको प्रॉप कैंटिलीवर बना दो, इस साइड फिक्स्ड है और इस साइड इसको रोलर दे दो। अब देखो यहाँ पर एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मोमेंट और यहाँ पर एक वर्टिकल। अब इसके कारण क्या होगा? इसका हम डीएस फाइंड करेंगे, तो टोटल नंबर्स ऑफ अननोन 1 2 3 4, 4, और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है? 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो हमारा डीएस इक्वल्स टू 1 आता है। इसका मतलब क्या है? हमारा डीएस अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो ओवर स्टेबल है। तो ये जो जस्ट स्टेबल था इसको हमने ओवर स्टेबल कर दिया। आपको पता होगा ना ये कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होता है ना, और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होता है ये हमारा डिफ्लेक्शन डो से डिनोट करते हैं हम लोग, और यहाँ पर एक रोटेशन भी आता है जिसका एंगल होगा टीटा। ठीक है, यहाँ पर एक रोटेशन भी आता है और यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी आता है कैंटिलीवर के केस में, लेकिन अभी हमने इसको प्रॉप कैंटिलीवर कर लिया, तो अब इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा? यहाँ से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, फिर ये वापस इस तरीके से होगा, तो ये इसका डिफ्लेक्शन। हमने क्या किया? जस्ट स्टेबल को ओवर स्टेबल में कन्वर्ट किया। तो यही कुछ इसका बेसिक था, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी का। इसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी को, क्योंकि आपको स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी ऑफ बीम्स निकालना है, आपको स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी ऑफ ट्रस निकालना है, आपको स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी ऑफ फ्रेम्स निकालना है, तो वो सब आपको एक एक करके एकदम ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका लिंक मैं आपको एक साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट बना के। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।